नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कौशल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी को मैथ के कुछ ऐसे प्रश्न को बताने वाला हूं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और जो बगल वाला बेल आइकन है उसे आप ज़रूर दबाइए। अगर आप हमें चाहें तो टेलीग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। यहाँ से आप फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अब आइए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कहता है कि ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 50 दिन, 75 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ 4 दिनों के लिए कार्य करते हैं, तब सी कार्य छोड़कर चला जाता है और शेष कार्य को ए और बी पूरा करता है। ए और बी द्वारा लिया गया समय कितना है वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। अब देखिए, जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए यहाँ पर टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए, ए किसी काम को करता है 50 दिन में, बी इसी काम को करता है 75 दिन में और सी इसी काम को करता है 20 दिन में। अब देखिए, इन तीनों का एलसीएम ही हमारा टोटल वर्क होगा, तो इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, 300। अब देखिए हम क्या निकालेंगे, ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, बी एक दिन में कितना काम कर सकता है और सी एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये 300 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे 50 से, तो ये जाएगा आपका 6 बार में, ये जाएगा आपका 4 बार में और ये जाएगा आपका यहाँ पर 15 बार में, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, हमें ये पता चल गया कि ए जो है एक दिन में 6 काम कर सकता है, बी एक दिन में 4 काम कर सकता है और जो सी है एक दिन में 15 काम कर सकता है। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कहता है कि बे 4 दिन तक काम जो है साथ साथ करते हैं। अब देखिए, पहले तो हम यहाँ पर निकालते हैं कि एक दिन में यहाँ पर टोटल काम होगा कितना, तो 6 और 4 10, 10 और 15 25, यानी कि एक दिन में टोटल काम होगा 25। तो 4 दिन तक इन्होंने 7 काम किया, तो 4 दिन तक कितना काम किया, 100 काम यहाँ पर टोटल कंप्लीट किया है 4 दिन में। यहाँ पर टोटल काम हमारे पास था कितना, तो 300 यहाँ पर टोटल काम यहाँ पर है हमारे पास, जिसमें से 100 काम कंप्लीट हो चुका है। तो 300 में से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 100 को माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास बचेगा कितना काम, 200 काम बचेगा। अब यहाँ पर कहा जा रहा था कि सी काम छोड़कर चला जाता है, ये सी अगर काम छोड़कर चला जाता है तो बचेगा कौन, बचेगा ए और बी। अब देखिए, ए एक दिन में 6 काम करता है और बी एक दिन में 4 काम करता है, तो अब एक दिन में कितना काम होगा, तो अब एक दिन में होगा 10 काम। टोटल काम हमारे पास बचा हुआ है कितना, तो 200 काम बचा हुआ है और एक दिन में जब 10 काम होगा तो 200 काम होने में कितना समय लगेगा, तो 20 दिन समय लगेगा। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए और बी द्वारा लिया गया समय कितना दिन है, 20 दिन है और यही हमारा राइट आंसर भी होगा। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 1000 मीटर लंबी ट्रेन 500 मीटर लंबे पुल को पार करती है। यदि ट्रेन की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पुल को पार करने में लिया गया समय सेकंड में क्या होगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। अब देखिए यहाँ पर समझिए पहले क्वेश्चन क्या है, ये हमारा एक ट्रेन है, ठीक है, और इस ट्रेन का लेंथ कितना है, लंबाई है 1000 मीटर और एक पुल है जिसे ये ट्रेन पार करती है और इस पुल का लंबाई कितना है, 500 मीटर है। अब जब भी ये ट्रेन इस पुल को पार करेगी तो पुल का लंबाई प्लस इस ट्रेन का लंबाई आपस में क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जोड़ देते हैं, तो 1000 मीटर लंबा ट्रेन है और 500 मीटर हमारा पुल है, तो दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो कितना होगा, 1500 मीटर होगा, ठीक है। और देखिए, इस लेंथ को पार करने में जो चाल, यहाँ पर ट्रेन का जो चाल है, यहाँ पर 30 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर दे रखा है, तो इससे हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। बट यहाँ पर रुकिए, ऊपर में आपका मीटर दिया हुआ है यानी कि 1500 मीटर है और नीचे में ये जो चाल है आपका किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले किलोमीटर पर आवर को हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, तो 5/18 से हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे गुना करेंगे। अब देखिए, ये जो 18 है आपका ऊपर चल जाएगा और यहाँ से ये 18 हट जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इस 30 को अगर हम 5 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा और 150 को हम डायरेक्ट यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, 10 हमारा यहाँ पर बचा हुआ है और इस 18 को अगर 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। खर्च और बचत का अनुपात 4:5 है,
यदि आय में 20% की वृद्धि होती है और बचत में 6% की वृद्धि होती है तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करें कि ये जो यहाँ पर खर्च का अनुपात 4 और यहाँ पर बचत का अनुपात यहाँ पर 5 दे रखा है, इसे हम क्या करते हैं 40 और 50 यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करने में आसानी हो। अगर आप इसे चाहें तो 400 और 500 भी मान सकते हैं, 4000 5000 भी मान सकते हैं, जो आपका मन करे आप मान सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 40 और 50 माना है। अब कहता है कि इसके आय में 20% का वृद्धि होता है। अब देखिए हमारा आय क्या होगा, खर्च प्लस बचत अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा आय हो जाएगा, तो आय हमारा कितना हो गया, आय हमारा हो गया 90 रुपये। हम पैसा से ही तौलते हैं, यानी कि 90 रुपये हो गया। अब इस 90 में कहा जा रहा है कि 20% का वृद्धि अगर कर दें तो 20% का अगर वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 120%। तो 120% अगर परसेंट हम नीचे 100 रखते हैं तो 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 12 को अगर 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 108। ठीक है, अब देखिए पहले हमारा जो आय था कितना था, 90 रुपये था। अब हमारा आय कितना है, अब हमारा आय यहाँ पर 108 रुपये है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि बचत में 6% का वृद्धि करना है। अब देखिए बचत हमारा कितना था, तो बचत यहाँ पर देख सकते हैं 5 यहाँ पर दे रखा है, यानी कि 50 रुपये हम बचत करते थे। इसमें 6% हमें बढ़ाना है, यानी क्या करना है 106% करना है। तो 50 से जाएगा ये 2 बार में और 2 से जाएगा ये कितने बार में, 53 बार में। अब देखिए पहले हम बचाते थे 50 रुपया और अब बचाते हैं हम कितना, 53 रुपये। ठीक है, तो अब हम खर्च कितना करते हैं, तो खर्च देखिए क्या करेंगे कि आय में से हम इस बचत को हम माइनस करेंगे, तो 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5, यानी कि 55। अब हम यहाँ पर खर्च कितना कर रहे हैं, 55 रुपये। अब देखिए पहले हम खर्च करते थे कितना, 40 रुपये पहले हम खर्च करते थे, लेकिन अब खर्च कर रहे हैं कितना, खर्च कर रहे हैं 55 रुपये। तो कितना यहाँ पर प्लस हुआ, तो प्लस हुआ 15 रुपये। और किस पे निकालेंगे, तो ये निकालेंगे हम 40 पे, क्योंकि तुलना हमें पहले से करना है और गुणे हम क्या करेंगे 100 करेंगे। ठीक है, तो ये 10 से 10 जाएगा, ये देखिए ये 2 और ये 5, अगर आप इसे अगर गुना करते हैं 76, और 75 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 37.5%। ठीक है, यानी कि 37.5% का जो है यहाँ पर खर्च में वृद्धि करना होगा। ठीक है, सो आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, ये थोड़ा बेसिक था क्वेश्चन आपके लिए है, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, जल्दी से इसे सॉल्व कीजिए और आप हमें कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। कि दो बस है ए और बी, इसका औसत गति का जो चाल है 3:2 के अनुपात पर यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से इसे समझना और इसे सॉल्व करने की कोशिश करना, अगर सॉल्व हो जाए तो आप हमें कमेंट करके इसका आंसर आप बता सकते हैं। उसके बाद देखिए आगे क्या कहता है, कहता है कि यदि बस ए 3 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो बस बी 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय की आवश्यकता उसको पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आप देखते हैं तो एक यहाँ पर टर्म यूज़ किया गया है, क्या कहता है कि यदि बस ए 3 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो यहाँ से आपको एक्चुअल चाल निकल जाएगा क्योंकि 120 किलोमीटर दूरी है और तय करता है कितने घंटे में, 3 घंटे में, तो यहाँ पर इसको जब काटेंगे तो कितने बार में जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, ये आपका चाल निकल गया, किसका, ए का निकल गया। जब ए का निकल गया तो बी का तो आप निकाल लीजिएगा, तो बी का कैसे निकालिएगा, तो 40 है तो 40 रहने दीजिए, हमें निकालना है किसका, बी का, तो इसका अनुपात पे यहाँ पे देख सकते हैं 2 है, तो 2 आपको रखना है ऊपर और ये 3 जो है आपको रखना है नीचे, तो हो जाएगा कितना 80/3। अब इसको ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इतना आप रहने दीजिए। उसके बाद देखिए क्या कहता है कि यदि बी को 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो, तो देखिए बी का भी चाल तो हमें मालूम चल गया कि 80/3 किलोमीटर पर आवर। अब 200 किलोमीटर इसे जो है जाना है, तो 200 किलोमीटर है तो यहाँ पर देखिए 200 किलोमीटर और ये 80/3 हो जाएगा, ये 3 आप इसे कैंसिल कीजिए और ऊपर में डाल दीजिए, ऊपर चल गया, तो आप यहाँ पर काटिए 40 से जाएगा ये 2 बार में, 40 से जाएगा ये 5 बार में, यानी कि हो जाएगा कितना 15/2। अगर इसे कैंसिल करेंगे पूरा तो 7.5 घंटा यहाँ पर लगेगा, यानी कि 7.5 घंटे में बी जो है 200 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा।
ठीक है। तो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके आपको जो कमेंट करना है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कहता है कि जैस दिया गया कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, वही दिया गया कार्य हरि 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, दोनों मोना के साथ, अब देखिए मोना एक और व्यक्ति है, ये दोनों जैस और हरि मोना के साथ संयुक्त रूप से कार्य जो है कितने दिन में कंप्लीट करता है, 3 दिन में कंप्लीट करता है। तो कहता है यहाँ पर कि मोना द्वारा अकेले कार्य में कितना समय लगेगा कार्य को कंप्लीट करने में, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आपको क्या करना है कि टोटल वर्क आपको निकालना है। अब देखिए जैस, तो जैस को हम यहाँ पर जे मानते हैं, जैस किसी काम को कितने दिन में करता है, 8 दिन में, हरी किसी काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में, और जैस प्लस हरी प्लस मोना किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, यहाँ पर 3 दिन में कर रहा है। तो इन तीनों का एलसीएम आप अगर लेंगे तो यहाँ पर आपका टोटल वर्क निकल जाएगा। तो तीनों का एलसीएम कितना होगा, 24 होगा। तो 8 से जाएगा ये कितने बार में, 3 बार में, 12 से जाएगा ये 2 बार में, और 3 से जाएगा ये कितने बार में, 8 बार में। अब देखिए जैस जो है, जैस 1 दिन में 3 काम करेगा, फिर देखिए हरि 1 दिन में 2 काम करेगा, और जैस हरि प्लस जो है मोना मिलके 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 8 काम कर रहा है। तो यहाँ से आप मोना का निकाल सकते हैं, कैसे, इन दोनों को प्लस कीजिए तो इन दोनों का हो जाएगा 5, और 8 में से आपको क्या करना है, 5 घटा देना है। तो मोना 1 दिन में कितना काम कर सकती है, 3 काम कर सकती है। टोटल काम है कितना, 24 काम। तो 24 काम करने के लिए मोना को कितना समय लगेगा, 8 दिन यहाँ पर समय लगेगा। अब देखते हैं आंसर है क्या ऑप्शन में, तो यहाँ पर 5 दिन है, 1 सप्ताह है, 15 दिन है, और एक ऑप्शन आपका क्या है, जैस इतना दिन समय लगेगा। तो देखिए अब जैस कितना दिन में कर सकता है काम को, 1 दिन में 3 काम करता है, तो 24 काम करने में कितना समय लगेगा, 8 दिन, तो जैस के बराबर समय लगेगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 4th, जैस के इतना समय लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो आप हमें कमेंट करके सिर्फ बताते रहें। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि 2 बेलनों का समान आयतन है। अब देखिए बेलन का पहले आप आयतन क्या होता है ये आप समझिए। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 2 आयतन है तो 2 आयतन आपस में समान है, पाई आर स्क्वायर एच। अब कहता है कि पहले बेलन की त्रिज्या दूसरे बेलन की त्रिज्या का आधा है। अब पहला बेलन और दूसरा बेलन, क्या कह रहा है कि पहले बेलन का त्रिज्या दूसरे बेलन के त्रिज्या का आधा है, ये है दूसरा बेलन, इसका आधा यानी क्या 1/2, और ये जो 2 है आपका चल जाएगा इधर, यानी कि 1/2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि उनकी ऊँचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए एच निकालना है हमें यहाँ पर, एच और पाई, तो पाई यहाँ पर कैंसिल हो ही जाएगा। अब देखिए ये जो यहाँ पर एक है, एक आप यहाँ पर रखेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे, और ये जो 2 है यहाँ पर रखेंगे इसका स्क्वायर आप करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 4। इन दोनों का आपको पलटना होगा क्योंकि एच यहाँ पर है, तो 4:1 जो है इसका राइट आंसर होगा। आप यहाँ पर अगर चाहते तो डायरेक्ट आंसर भी इसका कर सकते थे, इस तरह का अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो 2 से 3 सेकेंड में आप इसका आंसर निकाल सकते।